कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे क्रिया एवं लकार। क्रिया वर्ब, लकार टेंस। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का काल अथवा समय बताने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का काल, क्रिया का काल यानी क्रिया का समय और काल बताने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार के अनुसार धातु के रूप में परिवर्तन हो जाता है। लकार के अनुसार धातु के रूप में परिवर्तन हो जाता है। काल के आधार पर तीन लकार समझ लीजिए। काल के आधार पर तीन लकार होते हैं, लट लकार वर्तमान काल, लुट लकार भविष्यत काल, लड़ लकार भूतकाल। आज हम पढ़ेंगे लट लकार वर्तमान काल। क्या पढ़ेंगे? लट लकार वर्तमान काल। पट धातु, पट है ने पढ़ना। पढ़ना क्या है? एक क्रिया, ठीक है। लट लकार वर्तमान काल। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति, है ना। मध्यम पुरुष पठासी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अगला, इसी तरह हम अन्य जो क्रियाएं हैं उसका वर्तमान काल लट लकार रूप वर्तमान काल में बनाएंगे। अब अगला शब्द देखेंगे, लट लकार हस। हस यानी हंसना, है ना। हंसना, हंसना भी एक क्रिया है। तो संस्कृत में अब लट लकार के रूप में हम हस बनाएंगे। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हस शब्द हसती, हसतः, हसंती। हससी, हसतः, हसत। हसामी, हसावह, हसामह। इसी तरीके से आपको अन्य क्रिया शब्दों को लेकर उनके लट लकार रूप बनाना है, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।